एंड व्हाट इट्स शोन, आज हर तरह के डिजीजेस हैं दुनिया में, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, कैंसर है, इन्फेक्शन है, बुखार डिजीजेस हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट बर्डन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस इज हाईएस्ट एज कम्पेयर टू अदर डिजीजेस। इसका मतलब क्या है कि तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स जो अगर न्यूरोलॉजी नहीं पढ़ेंगे और न्यूरोलॉजी नहीं सीखेंगे, सो दे आर नॉट गोइंग टू बी गुड मेडिकल डॉक्टर। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट लेसन यू वॉन्ट टू लर्न, कि यू हैव टू नो न्यूरोलॉजी इफ यू वॉन्ट टू बी ए गुड मेडिकल डॉक्टर। सो इन एडिशन टू कार्डियोलॉजी, पल्मोनरी, ऑन्कोलॉजी, एवरीथिंग, सो बर्डन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस इज हाई एंड इट्स ग्रोइंग। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। आउट ऑफ ऑल द न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, स्ट्रोक हैज द हाईएस्ट मोर्टैलिटी एंड एपिलेप्सी इज द सेकेंड हाईएस्ट बर्डन विच इज कॉजिंग मोर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी। तो ये दो बीमारियां न्यूरोलॉजी की ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, एक स्ट्रोक और एक एपिलेप्सी। एंड टुडे होपफुली अगर आपने आज तवज्जो से ये डेढ़ दो घंटा सुन लिया ना, तो यू विल बी वेरी गुड इन आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग एपिलेप्सी पेशेंट। सो दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स के, जो आप आज सीख लें ये सारी जिंदगी आपके काम आएगा ये इल्म जो आज आप सीखेंगे। अब इस वक्त जो बर्डन है एपिलेप्सी का दुनिया में काफी ज्यादा है, 65 मिलियन पेशेंट्स हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2.4 मिलियन पेशेंट्स हैं। हो सकता है इससे ज्यादा हो, लेकिन जो हमारा लास्ट सर्वे हुआ था उसमें हमारा ये पढ़ रहे थे कि 1% हमारी पॉपुलेशन का एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी पाकिस्तान में इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, तो आपको काफी ज्यादा तादाद में बच्चों में एपिलेप्सी मिलती है और यही वजह है कि हमारे पीडियाट्रिशियंस को भी ना एपिलेप्सी की डायग्नोसिस और मैनेजमेंट आनी चाहिए। तो जो लोग जनरल प्रैक्टिस में हैं या पीडियाट्रिक्स में हैं, दे आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स विद एपिलेप्सी। एपिलेप्सी अगरचे इतनी मोहलिक बीमारी नहीं है, फिर भी उसके बावजूद 50,000 लोग सालाना इसकी वजह से मर जाते हैं और ज्यादा कॉमन ये 30 साल से कम वालों में और रूरल एरियाज में इसके बहुत पेशेंट हैं। क्योंकि आप हैदराबाद में आप रूरल भी देखते हैं और अर्बन भी देखते हैं, तो आपके पास काफी ऐसा बर्डन है एपिलेप्सी का जो आपके पास रूरल एरिया से यहाँ पर आएगा। अभी इस वक्त जो पाकिस्तान में एपिलेप्सी की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, देयर आर मोर देन 25 मेडिकेशंस अवेलेबल इन पाकिस्तान फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। यानी दुनिया भर में जो भी अच्छा से अच्छा इलाज एपिलेप्सी का है, दवाइयों की सूरत में गोलियां, वो पाकिस्तान में मिलती हैं। और यू विल बी लर्निंग कि उसको किस तरह दवाइयों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्या मैनेजमेंट है इन द नेक्स्ट 1 आवर। इसमें फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस हैं, न्यू जनरेशन मेडिकेशंस हैं, इसकी कॉस्ट ऐसी है कि 50 रुपए पर मंथ की दवाई भी मिल जाती है और 10,000 रुपए पर मंथ की दवाई मिल जाती है। अभी हम इसमें बात करेंगे कि जब आप एपिलेप्सी पे देखें तो आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस पता होनी चाहिए। पाकिस्तान में सर्जिकल ट्रीटमेंट भी एपिलेप्सी की अवेलेबल है, जिसको हम टेम्पोरल लोबेक्टोमी कहते हैं। जो असल प्रॉब्लम है वो ये कि जो अच्छी एपिलेप्सी की दवाइयां जो हमको न्यू AEDs कहते हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट में तो है, गवर्नमेंट अस्पतालों में भी सिर्फ पुरानी वाली दवाइयां मिलती हैं। एंड देयर इज अ ह्यूज ट्रीटमेंट गैप। ट्रीटमेंट गैप का मतलब क्या होता है कि जिनको डायग्नोस हो जाए एपिलेप्सी लेकिन उनको इलाज नहीं मिले, तो पाकिस्तान में ट्रीटमेंट गैप बहुत ज्यादा है। ऐसे लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में जिनको एपिलेप्सी पता तो चल जाती है लेकिन वो उसका इलाज नहीं करते। अब हाउ यू डायग्नोस एपिलेप्सी? देखिए, एपिलेप्सी इज ए क्लिनिकल डायग्नोसिस। You can pretty much diagnose epilepsy by history of patient and family members. या witness जिसने भी देखा हो, उसको आप history ले लें तो आपको diagnosis पता चल जाएगी कि कैसे हो गया। और इसके अंदर क्या होता है epilepsy की diagnosis में, कि sudden onset of lack of responsiveness होता है, जिसको अगर partial seizures होते हैं और अगर जनरलाइज सीजर होते हैं तो उसके नतीजे में उसके बॉडी में झटके आते हैं या बाज़ोबात फ्रॉजिंग हो जाती है, मरीज बेहोश हो जाता है। तो आप सिर्फ खुद का हिस्ट्री ले लें और आप किसी विटनेस का अकाउंट ले लें तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने एपिलेप्सी के 2-3 मरीज भी देखे हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एपिलेप्सी को किस तरह आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब एपिलेप्सी आप डायग्नोज कर लें, देन यू हैव टू रूल आउट इसकी कॉज क्या है। एपिलेप्सी की कॉज तकरीबन 25-30% लोगों में पता चल जाती है। यू डू ब्लड टेस्ट, यू डू MRI, यू डू EEG, यू कैन फाइंड आउट कि इस एपिलेप्सी की कॉज क्या है। बाद अल्कोहल एब्यूज की वजह से या ड्रग्स की वजह से भी एपिलेप्सी हो जाती है, तो अगर आपको यंग कोई मरीज आ जाए एपिलेप्सी का तो उसमें ये भी रूल आउट करना जरूरी होता है।
एक और प्रॉब्लम जो एपिलेप्सी में है उसको हम कहते हैं स्यूडो सीजर्स या साइकोलॉजिकल सीजर्स, क्योंकि एपिलेप्सी नहीं होती, लग एपिलेप्सी की तरह नहीं होती है। उनको भी आपको हिस्ट्री के जरिए और टेस्ट के जरिए आप यू कैन आइडेंटिफाई कि इनको स्यूडो सीजर्स हैं यानी साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स हैं या उनको एपिलेप्सी है। लेकिन ये तमाम चीजें आपको हिस्ट्री और एग्जामिनेशन और टेस्ट की बुनियाद पे आपको आइडेंटिफाई। यूट्यूब चैनल तां सां मुखातिब आहे ऐं असां पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी मेडिसन ऐं ॿिया जेके सिहत जा ऐं सोशल इशूज़ आहिनि पाकिस्तान जे अंदरि या दुनिया जे अंदरि उन ते थियल ताज़ी रिसर्च मालूमात तव्हां ताईं पहुचायूं था असां ज़बान में। हिन खे लाइक कयो, शेयर कयो ऐं सब्सक्राइब कयो ऐं कमेंट्स कयो। थैंक्यू।